तुम्हारा पति कामचोर हो गया है, धक्के देकर ना उसे घर से बाहर निकाल दो। मैं सच कह रही हूँ सुषमा, अगर तुम्हारे पति को काम चोरी का खून लग गया है तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी, जहन्नुम। देखो मैं जो कह रही हूँ ना वही करो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ ओके बाय। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, क्या हुआ? हाँ आप काहे इतना गुस्सा कर रहे थे, किसका कॉल था? हाँ क्या बताऊँ अंगूरी जी, मेरे ना एक स्टूडेंट है, उसका हस्बैंड बहुत कामचोर हो गया, उसे सिखा रही थी कि अपने पति को कैसे सुधारे। मैं क्या सिखा रही थी अंगूरी जी, मैं तो खुद ही अपने पति को नहीं सुधार पाई हूँ। पता है मैंने तो विभू को घर से बाहर ही निकाल दिया। हाँ लेकिन उम्मे नया का है। नया बात तो ये है कि अम्मा जी लड्डू के भैया को घर से बाहर निकाल दी हैं। तिवारी जी को घर से बाहर निकाल दिया? अरे तिवारी जी तो अच्छा खासा कमा लेते हैं। यही तो बात है ना अनीता जी, आपको कहा पता है लड्डू के भैया को ना अपने कमाने का बहुत घमंड हो गया है, आजकल अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। देखे ना हमारे डैडू और पुत्तन भैया के बारे में काका बोले, बहुत उल्टा सीधा बोले। ओ, तो आपने ये बात अम्मा जी को बताई? नहीं हम कुछ नहीं बताए, वो तो ना खुद ही सब कुछ सुन ली, पीछे आकर खड़ी थी, फिर बहुत गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा, और ना लड्डू के भैया को सारी प्रॉस्पेरिटी से बाहर कर दी। प्रॉस्पेरिटी? आपका मतलब है प्रॉपर्टी? हाँ सही पकड़े हैं। तो क्या अम्मा जी ने, क्यों परेशान हो रही हैं आप? हाँ लेकिन हमको तो लड्डू के भैया का बहुत बहुत चिंता हो रहा है। इसमें चिंता करने की क्या बात है, मैंने भी तो विभू को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे तो कोई चिंता नहीं हो रही। लेकिन भरभूती जी को तो आदत है ना, आप तो बार बार कभी भी निकाल देती हैं घर से बाहर। लेकिन हमारे लड्डू के भैया के साथ तो पहली बार हुआ है ना, उनको कुछ आदत भी ना आई है। अंगूरी जी तिवारी जी कोई बच्चे नहीं है, खाने दीजिए उनको जमाने के थप्पड़ और वक्त की मार। जो पति होते हैं ना बहुत ढीठ होते हैं, इतनी जल्दी नहीं सुधरते। पर अंगूरी जी किसी खतरनाक मर्ज को ठीक करने के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। चिल। सही पकड़े हैं। अवश्य अवश्य आपको भी पत्तल मिलेगा। वैसे भी भाई साहब आप जैसे गरीब भूखे भिखारियों के लिए ही ये लंगर चलता है। खाइए खाइए, जी भर के खाइए। हाँ देखिए अनीता जी, अब लड्डू के भैया और भरभूती जी कैसे भिखारी हो जैसे और लंगर में बैठकर खाना खा रहे हैं। अंगूरी जी लंगर में खाना खाना तो अच्छी बात है ना, बड़े बड़े लोग खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है लंगर का खाना, बचपन में तो मैं भी बहुत खाती थी। बात बताएं, अब बचपन में तो हम भी बहुत खाए लंगर का खाना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, हम जब स्कूल में थे ना तो मेरे स्कूल के बगल में एक तरफ गुरुद्वारा था और दूसरी तरफ मंदिर, और हम स्टूडेंट्स तो कई बार टिफिन ही नहीं लाते थे, कभी गुरुद्वारा में लंगर खाते थे और कभी मंदिर का भंडारा। तो आप भी हैं यहाँ और आप भी हैं यहाँ? हम तो अक्सर यहाँ आते हैं, क्या है कि यहाँ के लंगर का भोजन हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरा भी ऐसे ही है, मुझे भी लंगर में खाना अच्छा लगता है। एंजॉय ईटिंग इन लंगर्स। तो वैसे आपको देखकर लगता भी आप लंगरों में पले बड़े हैं।
और आपको देख के लगता है कि आप बहुत बड़े लंगरबाज हैं। हमको ना लंगर का और ऐसे भंडारे का खाना ना बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बड़ा टेस्टी होता है लंगर का खाना। चलिए का चल के खा लें का। अरे नहीं नहीं, देखिए ना वो दोनों बैठे हुए हैं। हाँ ये तो हम भूल ही गए थे। रायता डाल दूं? डाली डाली। जी जी, यहाँ भी डालिए। डाल रहा हूँ बे। ए लीजिए। हाँ भिखारी कैसे लड्डू के भैया का हाथ चाट रहा है। आप दोनों को देख करके लगता है कि आप लोग जन्म जन्मांतर के भूखे हैं। खाइए 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 आराम से। हमें सब पता है। क्या पता है? यही कि भाभी जी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है। सच है कि मेरे अन्नू का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसने लतिया के घर से बाहर निकाल दिया आपको। लतिया के नहीं निकाला, फिजिकली उसने लात मार के नहीं निकाला है, बट शी सेड गेट आउट, आई गॉट आउट। लेकिन आप यहाँ कैसे? वो हमें भी अंगूरी और अम्मा ने घर से और जायदाद से बेदखल कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बड़ा हंसते थे ना जब अनु मुझे घर से बाहर निकालती थी। अब आपको घर से बाहर निकाला है, आपको मालूम पड़ेगा, आप महसूस करेंगे उस पेन को, उसको फील करेंगे आप। हलवा भाई साहब। हाँ डाल दीजिए। यहाँ भी दीजिए। डाल रहा हूँ बे। ये खाई भाई साहब। भैया जो आज का लंगर है किस सेठ जी ने करवाया है? सेठ अनुराग शर्मा और उनकी धर्म पत्नी मीनल शर्मा। ये देखिए आ ही गए वो लोग। चलो चलो चलो। रहने दो, अपना मुंह मत छुपाओ। हेलो मीनल, हाउ यू डूइंग? दिस इज नाइस एम्बियंस नो। मुझे सब पता है, तुम दोनों की बीवियों ने ना तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन डोंट वरी, मैं और अनुराग ना गरीब भूखे भिखारियों के लिए ना लंगर करवाते रहते हैं। क्यों अनुराग? चलिए मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, इसको देखकर तो मेरी भूख मर जाएगी हमेशा के लिए। चलिए चलिए। हाँ, चलिए। एक प्रेमी है जो इस मामले में मेरी मदद कर सकता है। लेकिन कहाँ रह गया यार ये? अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों बे साले विभूतिये, हाँ इतना बेचैन क्यों नजर आ रहा है? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है तेरे ऊपर? है तेरा कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ यार, तू अब आ रहा है? देख साले ऐसा है, तू है एक नंबर का नल्ला, तू एक क्या 10 घंटे भी मेरा इंतजार करेगा ना तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। हाँ मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, अभी तो मेरा टाइम और ज्यादा कीमती होने वाला है क्योंकि मैंने एक नई कंपनी खोली है। रियली? हाँ यार प्रेम, तूने क्या टाइम पे कंपनी खोली? नहीं यार कमाल है तेरा तो यार। अबे साले लेकिन तू इतना खुश क्यों हो रहा है? ये कंपनी मैंने तेरे लिए नहीं,
अपने लिए खोली है। मुझे पता है, मुझे पता है यार, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी में एमडी का जॉब तो होगा। नहीं चल कोई बात नहीं, सीईओ का होगा, चेयरमैन का कोई तो जॉब होगा यार। एमडी सीईओ ये सब ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो चल ठीक है, मैं मैनेजर बन जाता हूँ, ठीक है। मैनेजर तो क्या, मेरे यहाँ पियोन और स्वीपर की भी जगह फुल हो गई है। कैसी बातें कर रहा तू यार, तूने नई कंपनी खोली है और अपने पढ़े लिखे होनहार दोस्त को भूल गया। तू होनहार बिल्कुल नहीं है, बल्कि तेरा होना ही तेरी हार है। क्या बकवास कर रहा है तू? साले याद है तुझे 1998 की वो रात, न्यू ईयर की रात, जब हम पार्टी कर रहे थे और तूने क्या कहा था? एक ड्रिंक बना। कांग्रेस भाई, मैंने सुना है तूने छपरा यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। Well, it's all right. Thank you. जा सुनना, मैं एक नया बिजनेस खोलने जा रहा हूँ। गुड फॉर यू। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। Very nice. मुझे उसमें तेरे जैसे मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, क्या तू मेरी कंपनी ज्वाइन करेगा? मतलब यूनिवर्सिटी की मुझे तेरे अंडर काम करना पड़ेगा? हाँ क्यों नहीं भाई, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। I'm sorry. I'm really, really sorry and genuinely sorry, right? यार, उस वक्त हालात अलग थे यार, अब हालात अलग हैं। देख यार, ये तेरी प्रॉब्लम है, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ। साले भेड़िया की शक्ल, ये तेरी दोस्ती है, तू है तुझ पे। इनकी कब्जियत पे, इनकी शख्सियत पे, इनकी तबीयत पे, इनके रोने पे, इनके हंसने पे। आठू 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 आठू। सेल्फी क्लिक कर लीनी भौजी ने नैना मिलाए के। सेल्फी क्लिक कर लीनी भौजी ने नैना मिलाए के। नैना मिलाई के सेना चलाई के। नैना मिलाई के सेना चलाई के। सोशल मीडिया पे लोड कर दी भौजी ने नैना मिलाई के। सोशल मीडिया पे लोड कर दी भौजी ने नैना मिलाई के। सेल्फी के लिख कर लीनी भौजी ने नैना मिलाई के। सेल्फी क्लिक कर ली। मेरा मुर्शिद मिल गया, मुझे मेरा मुर्शिद मिल गया, मेरा मुर्शिद मिल गया, मुझे मेरा मुर्शिद मिल गया। अबे कौन है तू, क्यों रायता बेला रहा है? चाचा जी। चाचा जी, अरे मैं किसी का चाचा बाचा नहीं हूँ। आप विभूति भैया के डेविड चाचा है ना? अबे मेरा नाम डेविड नहीं है, मेरा नाम डेविडुद्दीन है। डेविडुद्दीन, आई लाइक इट। वैसे चाचा जी, मैं एक बार समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके जैसा भयानक अय्याश आदमी इतनी अच्छी सूफी संतों की टोली में शामिल कैसे हो गया, इनकी संगत में कैसे आ गया? क्या माजरा है, क्या चक्कर है? आपको बताना पड़ेगा चाचा जी, आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको। अब मैं तुझसे क्या छुपाऊं, वो क्या हुआ कि तेरी चाची ने ना मुझे इंग्लैंड में एक कोरी के साथ पकड़ लिया। आई लाइक इट। मैं ना तेरी चाची से छुपते छुपाते इंग्लैंड से पोलैंड, पोलैंड से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से नागालैंड, नागालैंड से मडाईलैंड, और मडाईलैंड के साथ सीधा यहाँ पे लैंड किया हूँ। लैंड आपने कोई भी छोड़ा नहीं चाचा जी।
आई लाइक इट। चाचा जी मुझे मेरा मुर्शिद मिल गया। चाचा जी मुझे भी सूफी संतों की टोली में शामिल होना है। अरे बाबा कह रहे हैं क्यों रायता फैला रहा है तू? बाबा ने तुझे जो है अपना चेला बना लिया है। बाबा ने मुझे कबूल कर लिया। आई लाइक इट। अरे सक्सेना जी एक मिनट यार प्लीज। सक्सेना जरा हमें आपसे एक जरूरी बात कहनी है यार सर प्लीज। ये क्या बदतमीजी है भैया? आप देख रहे हैं मैं अपने मुर्शिद की शरण में हूँ। अरे आपका मुर्शिद क्या गुइया के खेत में यार? भैया मुझे आप लाख गालियां दे लीजिए लेकिन मेरे मुर्शिद के खिलाफ अगर एक भी लफ्ज आपने कहा ना, जरा सी भी बदजुबानी की, तो मैं आपके गुर्दे फोड़ दूंगा। अरे यार हमारे गुर्दे तो वैसे ही फूटे पड़े हैं। गुर्दों के अलावा और भी बहुत सारे आइटम होते हैं फोड़ने के लिए भैया। देखिए हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं और आप है कि क्या मदद कर दूं आपकी? कह सकते ना जी कि हमारी अम्मा ने ना हमें जायदाद से बेदखल कर दिया। आई लाइक इट। आपके जैसे घटिया और गलीज आदमी के साथ यही होना चाहिए। वैसे अब आप ये बताइए कि मदद कैसे करूं आपकी? हमें एक ठो जॉब दिलवा दीजिए। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? 5वीं में 2 बार फेल हुए, 8वीं में 3 बार फेल हुए, फिर 10वीं ना निकाल पाए। माफ करना भैया, ये जिस तरह की डिग्रियां लेकर आप घूम रहे हैं ना, उनकी बदौलत आपको नौकरी नहीं अलबत्ता जूते जरूर पड़ेंगे, समझे आप? I like it. सेल्फी क्लिक कर ली रे मोटे नैना मिलाए के मे कमिंग सर। सॉरी जेंटलमैन, काफी वेट कराना पड़ा आपको। No, 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 sir. It is our habit, sir. I know your good name. Myself, Tikaram, sir. My name is Malkhan Hago. Myself, Pillu Hega. हमारे बिजनेस में इस तरह के नाम के लोगों की काफी रिक्वायरमेंट है। May I see your resumes, please? Excuse me, sir. What do you mean, Mr. Sir? ये क्या होता है, सर? आप जो बोल रहे हैं? Resume मतलब तो बायोडाटा, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। ओह अच्छा अच्छा। वो क्या है सर कि हम तीनों ने बहुत पढ़ाई की है लेकिन सर ना के बराबर की। तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई ना के बराबर की, यही तुम लोगों की क्वालिफिकेशन है। सर जी जाको मतलब हमें नौकरी मिल जाएगी? सर जी जाको मतलब हमें नौकरी मिल जाएगी? JD Enterprises तुम जैसे नौजवानों के सपनों को पूरा करने का दूसरा नाम। JD Enterprises का सपना बेरोजगार मुक्त देश हो अपना। मैं तुम तीनों को कलेक्टर का जॉब देता हूँ। सर वन डाउट सर, कंफ्यूजन सर। सर हम क्या है कि हम इतने पढ़े लिखे ना आ रहे हैं तो फिर भी आप हमको इतनी बड़ी जॉब काहे दे रहे हैं सर? मतलब आए सर। JD Enterprises लोगों के क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल डिग्रीज नहीं बल्कि काबिलियत देखते हैं। तो जेंटलमैन अब आपको नौकरी मिल चुकी है। हेलो मिस्टर नारंग, प्लीज कम इन। यस बॉस। मिस्टर नारंग ये है हमारे नए एम्प्लॉयज, इन्हें बेसिक ट्रेनिंग दे दो। ओके बॉस। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि आपका काम है कलेक्टर का, तो आप लोगों को हमारे एक इलाके से कलेक्शन जो है वो रोज रात को कलेक्ट करते हैं। सर अनदर कंफ्यूजन सर, सर ये कौन से कलेक्ट करना सर, मतलब किससे करना है सर? वाह कितने अच्छे सवाल पूछते हैं आप लोग। आप लोगों के सवाल को मतलब सुन के पता चलता है कि आप लोग कितने काबिल हैं ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राम नारायण मार्केट से अफीम कोठी तक का सारा एरिया JD Enterprises के अंदर आता है, तो वहाँ रोज रात को हमारे कई कस्टमर्स आके फुटपाथ पर सो जाते हैं, तो आप लोगों को रोज रात को जाकर उनसे रेंट कलेक्ट करना है। आप सर हम ये जानना चाहेंगे कि रात को क्यों, दिन में क्यों ना जाएं? गुड क्वेश्चन। JD Enterprises के कई बिजनेस ऐसे हैं जो सिर्फ रात में ही होते हैं। ओके ओके। तो आप लोगों ने वहां से रेंट कलेक्ट करना है और ये है रिसिप्ट बुक,
प्लीज गेट। इसमें कस्टमर्स से रेंट लेने के बाद सिग्नेचर लेना है, ओरिजिनल कॉपी उनको देनी है और कार्बन कॉपी ऑफिस आकर मिस्टर नारंग को कैश के साथ देनी है। जी सर जी, ठीक है। और एक बात और, अगर कोई रेंट देने में आनाकानी करे तो चाकू दिखा के उसे कन्विंस करना है। यार किल्लू मलखान जी, हमसे हफ्ता वसूली तो ना करवा रहो। अबे बावले, अगर ये हफ्ता वसूली करवाता तो जी रिसिप्ट थोड़ी ना देता। हाँ यार, ये बात भी सही है गई, बिल्कुल सही कह रहे हो तू यार। ओके जेंटलमैन, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट सर, नो सर, नो सर, नो डाउट। ओके मिस्टर नारंग, आप इन्हें ले जाइए और बेसिक ट्रेनिंग दे दीजिए और एक्सेसरीज वगैरह भी दे दीजिए। यस बॉस, मैं इन्हें कुछ चाकू, रस्सियाँ और हॉकी इशू कर देता हूँ। कट्टे भी दे देना और उसके एंट्री स्टोर में करा देता हूँ। गुड।